बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन दिस वीडियो विल डिस्कस द किडनी नगेट्स। माइक्रो एल्बम यूरिया हम कब कहते हैं, अगर 30 से 300 तक प्रोटीन लॉस हो यूरिन में तो इसे माइक्रो एल्बम यूरिया कहते हैं। नॉर्मली जो होती है 150 से लेस देन होती है प्रोटीन, अगर तो यूरिन में अपेयर हो लेस देन तो इससे क्या कहते हैं, डैम हॉर्स फॉल प्रोटीन। ठीक है, वी क्वांटिफाई प्रोटीन यूरिया को आप कैसे मेजर करते हैं, बात प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो। ठीक है, इफ देयर इज अ परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया तो आप क्या करते हैं, किडनी बायोप्सी करते हैं। डायबिटिक पेशेंट के अंदर अगर माइक्रो एल्बम यूरिया तो आप ACI देंगे, ऐसी इनहिबिटर्स देंगे। एलर्जिक इंडस्ट्रेशन नेफ्राइटिस के अंदर इओसिनोफिल ज़्यादा होता है। एथ्रोएम्बोलिक रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लेवल्स होते हैं वो लो हो जाते हैं। जो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर हमें मडी कास्ट मिलते हैं, ठीक है, वैक्सी कास्ट हमें क्रॉनिक रीनल फेलियर में मिलते हैं। प्री रीनल के अंदर बर्न क्रिएटिनिन रेशियो 20 से ज़्यादा होगी, यूरिन सोडियम कम होगा, क्रिएटिनिन रेशियो और ऑस्मोलैरिटी दोनों ज़्यादा होते हैं। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के अंदर भी ये ज़्यादा होगा, लेकिन इसके अंदर सोडियम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट इंड्यूसिटियन के अंदर रैपिड ऑनसेट ऑफ द सम कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर स्पेशली इन द या कब करवाते हैं, CKD में, डायबिटिस मेलिटस में से कैसे प्रिवेंट करा सकता है, बाय द गुड हाइड्रेशन। स्टीरॉइड जो होती है डस नॉट कॉज, स्टीरॉइड जो होती है ये एलर्जिक इंडस्ट्रेशन नेफ्राइटिस कॉज नहीं करती, इनफैक्ट दे कैन बी बल्कि सेम एसिड रिड्यूस कर सकते हैं। हिमा छोड़िए अगर 1 से 2 डेज के बाद हो तो एजी नेफ्रोपैथी, वीक्स के बाद हो तो पोस्ट एप्टिक होकर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर ल्यूपस नेफ्राइटिस के लिए आप हमेशा बायोप्सी करते हैं, मिनिमम चेंज के अंदर डिजीज में एनसेड और हॉजकिन लिम्फोमा, मेम्ब्रेनस के अंदर कैप्टोपिल और एनसेड कॉज हो सकती हैं इसकी। ठीक है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लीड टू द रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। CKD के अंदर आपने रीनल ट्रांसप्लांट करना होता है, कोई एंड स्टेज रीनल डिजीज एनीमिया होगा तो आप एरिथ्रोपोएटिन देंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन इन द CKD के अंदर ये कॉमन है। अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होगी तो वहाँ पे पेपिलरी नेक्रोसिस हो जाती है, बट हाइपरटेंशन नहीं होती। ओवरफ्लो प्रोटीन यूरिया को मल्टीपल माइलोमा कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए मैंने आपको पहले ये बताया, मैंने प्रोटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन यूरिया होगा, एडिमा होगा, हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंशन भी हो सकती है। नेफ्रिटी के अंदर हीमोचूरिया और होप निमोनिक याद रखने, AKI के अंदर ड्रग्स की हिस्ट्री होगी, कुछ डेज के अंदर किडनी का फंक्शन लॉस हो जाएगा। क्रॉनिक में क्रॉनिक हिस्ट्री होती है डायबिटीज या हाइपरटेंशन की, इसके अंदर कॉस्मल ब्रीदिंग, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया। पॉलीसिस्टिक के अंदर आपको क्या मिलता है, पैल्पेबल मैस मिलता है, बायरी एनोरिज्म और सिस्टिक ग्लैंड्स मिलती है। रीनल स्टोन में जो पेन होती है लोइन से ग्रोइन की तरफ जारी होती है, UTI कॉमन होता है इन द फीमेल्स। आगे अगर फीवर होगा, लोइन पेन, टेंडनेस होगी तो पायलोनेफ्राइटिस। अभी देखिए अगर प्रोटीन यूरिया 3.5 से ज़्यादा तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। बच्चों के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम को मिनिमम चेंज डिजीज कहते हैं, स्टीरॉइड से रिस्पॉन्स करती है मिनिमम चेंज डिजीज, ग्लोमेरुलर लुक नॉर्मल इन द MCD। इसमें क्या होता है, बेसिकली इफेसमेंट हो जाती है फूड प्रोसेस की। अडल्ट में जो होता है वो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन द कोकेन इनटेक पर्सन में क्या होता है, जो कोकेन ले रही होती है उन्हें फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलर सेक्रोसिस हो जाती है। अगर तो प्रोटीन लेस देन 3.5 और फिर हीमाचूरिया भी होता है, नेफ्रिटिंग होता है। ठीक है, अगर फेरेंजाइटिस की हिस्ट्री लेस देन द 1 वीक एंड साइड ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो क्या होगा, IgA नेफ्रोपैथी। अगर मोर देन 1 वीक तो पोस्ट ऑप्टिक होकर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लेवल IgA नेफ्रोपैथी के अंदर नॉर्मल होता है, लेकिन भी पोस्ट ऑप्टिक में डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो आपने ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए देनी होती है ACE इनहिबिटर, ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल द BP फॉर द डायबिटीज ACE इनहिबिटर, बेस्ट डायग्नोस डायबिटिक नेफ्रोपैथी को माइक्रो एल्बम यूरिया। अगर रैश हो इसके साथ नेफ्रिटी के साथ तो हेनोक्सोनोलेन परपरा की कॉम्प्लिकेशन इंटरसेप्शन होती है, वेट शेप एरिया इन द किडनी, रीनल इनफार्क्ट बन जाता है, बाइलेटरल लंबर स्वेलिंग, PCKD, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द जॉइंट अल्ट्रासाउंड होती है। फ्लूइड एंड प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन कब देते हैं आप, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के अंदर। यूनिलेटरल मैस आपको कब मिलेगा, जब से आप कार्सिनोमा होगा। ठीक है, रीनल कार्सिनोमा किसमें होता है, वेन हेपल डिजीज में। ठीक है, पैरान्योप्लास्टिक सिंड्रोम जो होता है वो किसके अंदर होता है, अगर इधर क्योंकि इसके अंदर पॉलीसाइथीमिया हो जाती है, रीनल सेल कार्सिनोमा का ये सिंड्रोम होता है ना। ठीक है, अगर यूनिलेटरल मैस मिलेगा बच्चों के अंदर तो वेलमेस ट्यूमर होगा, बड़ों में मिलेगा तो रीनल कैंसर, और अगर डल पेन होगी लंबा रीजन पर हिमाचूरिया होगा तो रीनल स्टोन है, कोल की पेन होगी तो यूरेटेरिक स्टोन होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, उन्होंने पूछा हुआ है कि अगर तो इन्वेस्टिगेशन हो जाए, किडनी स्टोन के लिए इन्वेस्टिगेशन हमेशा नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन आपने अल्ट्रासाउंड करवानी होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चाइल्ड कार्सिनोमा के लिए आपने कॉन्ट्रास्ट कराना होता है, स्टोन के लिए आपने नॉन कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, BPS ज़्यादातर ट्रांजिशनल जोन में होता है, प्रोस्टेट कैंसर पेरिफेरल जोन में होता है। कौन सी प्रोटीन रेस हो जाती है, PSA मोस्ट कॉमन कॉज UTI की, कोलाई है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्रोस्टाइटिस की, एस्यूरियस है, और UTI के ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। पेन अगर कोस्टो वर्टेब्रल एंगल पे हो तो पाइलोनेफ्राइटिस होगा, प्लस फीवर बायलेटरल लोअर एब्डोमिनल पेन, प्लस फीवर हो तो UTI होगा। मैंने आपको बताया था अगर नर्व लॉस हो जाए, मतलब डैमेज हो जाती है, सेंस्ट्रो न्यूरल डेफनेस हो जाती है तो हम इसे एल्बर्ट सिंड्रोम कहते हैं। पल्मोनरी हेमरेज मिली और साथ हेमोफाइटिसिस हो तो हम इसे गुड पास्टर सिंड्रोम कहेंगे। NTGPM जो है वो किसमें, गुड पास्टर में होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में फ्री फ्लूइड जो कलेक्ट हो जाता है लंग्स के अंदर, इसलिए हेमरेज हो जाता है। सडन ओलिगुरिया एक्यूट किडनी इंजरी में होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ड्रग इंड्यूस होती है। CKD की मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरटेंशन डायबिटीज है। CKD के अंदर हिस्ट्री इन द मॉन्सेंट या यूरिन क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। CKD का बेस्ट डायग्नोस्टिक जो होता है ना वो क्रिएटिनिन होती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, CKD की हाइपरकैलेमिया, नेट्रीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, कैल्शियम, पेरिकार्डाइटिस, एनीमिया, ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। इसके अलावा एनीमिया की कॉज क्या होती है, एरिथ्रोपोएटिन डिक्रीज हो जाता है। ये मैं आपको तमाम पॉइंट्स वीडियो में कवर करवा चुकी हूं, अगर आप सुनेंगे तो ये आपको बहुत ईजी रहेगा। डायलिसिस की इंडिकेशन सेम एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द CKD, जो CKD की कॉम्प्लिकेशन वही डायलिसिस की होंगी। ट्रांसप्लांट के बाद रिजेक्शन की होती है अगर तो साइटोमेगाला वायरस का इंफेक्शन और डायलिसिस स्टार्ट करेंगे वेन द GFR लेस देन 15। ठीक है, अगर तो हमें मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर जो है वो ट्रांजिशनल सेंस कार्सिनोमा होता है, और इसके अलावा इसके अंदर पेनलेस हीमाचूरिया होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नेफ्रोटिक के लिए रीनल बायोप्सी होती है, और UTI के लिए यूरिन कल्चर।